नमस्कार साथियों, शिक्षा इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, कल के दर्शन शास्त्र की क्लास में यानी दर्शन शास्त्र के भाग 8 में हमने गीता दर्शन में शामिल स्वधर्म के बारे में जाना और समझा, और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम गीता दर्शन में कर्म योग की चर्चा करेंगे। साथियों, गीता में कर्म योग को प्रतिपादित किया गया है और निष्काम कर्म का संदेश दिया गया है। यहां कर्म योग को कर्म संन्यास से भी श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब ये कि अनासक्त होकर बिना किसी लगाव के कर्तव्य करते रहने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए गीता में कहा गया है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फले सुकदाचर मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो यत्स कर्मणि। यानी कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, तुम कर्म फल के हेतु मत बनो, कर्म फल के कारण अपने आप को मत बनाओ, कर्म में तुम्हारी प्रीति हो। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम परिणामोन्मुख हो जाते हैं, हमारा ध्यान कर्म से ज्यादा परिणाम पर रहता है। आप अपने जीवन में उदाहरण से ले सकते हैं, आप में से बहुत से सिविल सेवा के प्रतियोगी तैयारी करने से ज्यादा परिणाम पर ध्यान देने लगते हैं कि ये पोस्ट मिलेगा तो कैसा रहेगा, इस पोस्ट में कितना जलवा है, कितनी कमाई है, वगैरह वगैरह तमाम तरह की बातें लोकसभा के पदों को लेकर के होती हैं सामान्य रूप से, और ये व्यावहारिक भी। लेकिन जो हमारा धर्म है, जो गीता दर्शन है, वो आपको ये कहता है कि आप जो है केवल और केवल कर्म करो। मतलब ये कि अगर आप अपने जीवन में अगर आप प्रतियोगी हैं तो तैयारी करना ही आपका अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। परिणाम तो, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो परिणाम तो निश्चित मिलेगा। आपका पूरा ध्यान परीक्षा की तैयारी में होना चाहिए, ठीक है। तो जीवन इसी प्रकार से, जीवन की कोई भी लक्ष्य हो, आपका पूरा ध्यान उन लक्ष्य को प्राप्त करने में और उन लक्ष्य को पूरा करने में जो निर्धारित कर्म है उन पर होना चाहिए, ठीक है। तो आगे इसी कर्म योग में चर्चा मिलती है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कर्म योग की विशेषताएं बताइए, गीता में, गीता दर्शन में प्रतिपादित कर्म योग की विशेषताएं बताइए, तो गीता दर्शन जो है ये बोलता है कि राग द्वेष स्वार्थ भाव से प्रेरित होकर हमें कर्म नहीं करना चाहिए। अब देखिए कितनी गंभीर बातें कही हैं। हमारा कई बार जो कर्म होता है वो कई बार राग द्वेष से प्रेरित होता है। आपका पड़ोसी धन के मामले में, शिक्षा के मामले में आपसे आगे निकल गया, आपके अंदर ईर्ष्या है और आप उससे आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए कि आप बिना आसक्ति के, बिना अपेक्षा के अपना काम करिए। ये सोचिए कि परमात्मा ने, विधाता ने आपको वो काम दिया है और पूरे मनोयोग से उसी भाव के साथ आप करें। तो पहली बात ये है कि गीता दर्शन के कर्मयोग की बात करें तो पहली विशेषता है कि राग द्वेष या स्वार्थ भाव से प्रेरित होकर हमें कर्म नहीं करना चाहिए, पहला संदेश है। दूसरा जो कर्मयोग का संदेश है कि फल की इच्छा से कर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। पहले ही मैंने चर्चा की कि परिणाम से आप शून्य हो जाइए और अपने अगर तैयारी पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ठीक है। तीसरा जो कर्मयोग का संदेश है कि लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख की दृष्टि से कर्म नहीं करना चाहिए। चौथा संदेश, कर्मयोगी अपनी व्यक्तिगत इच्छा को छोड़कर ईश्वर की इच्छा से काम करता है। आपकी जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितने भी कार्य हैं, आप उनको ईश्वर के प्रति समर्पित कर दीजिए। यदि कार्य का, आपके द्वारा किए गए कार्य का सकारात्मक परिणाम मिलता है तो
तो भी उस परिणाम को ईश्वर पर समर्पित करिए। हे परमात्मा, आपकी कृपा से ही यह सब कुछ है, यही गीता दर्शन का संदेश है। क्योंकि अगर आप स्वयं पे उस परिणाम को मान लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार आ सकता है। तो देखिए, ये गीता दर्शन के जो कर्म योग हैं उनको हमें अपने जीवन से जोड़ के भी देखना है, तब उसके संदेश हमें ज्यादा व्यवहारिक लगेंगे। अगली जो चर्चा होती है कर्मयोग में, यानी अगला संदेश है कि हमें सफलता और असफलता पर विचार न करते हुए अपने कर्मों को कर्तव्य समझकर करना चाहिए। इस प्रकार स्पष्ट है कि निष्काम कर्म का उपदेश करने में गीता की बौद्ध मत से एकता है, क्योंकि दोनों में आंतरिक जीवन की शुद्धता पर बल दिया गया है। दोनों ही, यानी बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन और गीता दर्शन, दोनों में ही कर्म संन्यास की निंदा की गई है। दोनों ही दर्शन ईश्वरार्पित सक्रिय जीवन बिताने का उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार गीता दर्शन में जो तीन टॉपिक शामिल किए गए थे, स्वधर्म और कर्मयोग और स्थिति प्रज्ञा, इन तीनों की अवधारणाओं को आपने जाना और समझा। छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इन पे अपनी अवधारणा बिल्कुल स्पष्ट करिएगा। और आज की चर्चा बस यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।